नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है बारबिट्यूरेट्स। आज इसके बारे में जानेंगे। बारबिट्यूरेट्स क्या है? मेडिसिन है और मेनली ये साइकेट्रिक मेडिसिन है। और इससे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो बारबिट्यूरेट्स क्या है? सेडेटिव हिप्नोटिक मेडिकेशंस है। सेडेशन कॉज करती हैं, हिप्नोसिस कॉज करती हैं। और ये मेडिसिन क्या करती हैं? सेडेटिव हिप्नोटिक मीनिंग दे कॉज फील रिलैक्स। इस लेने के बाद में जो व्यक्ति है वो रिलैक्स और स्लीपी, ऐसा लगता है उसको कि नींद आ रही है और रिलैक्स महसूस वो करता है। तो बारबिट्यूरेट्स आर सेडेटिव हिप्नोटिक मेडिकेशंस मीनिंग दे कॉज टू फील रिलैक्स और स्लीपी। तो पहले ये जो बारबिट्यूरेट्स थे वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। नाउ इट इज़ दे आर लेस कॉमन बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ मिस यूज़, क्योंकि इनका मिस यूज़ भी किया जाता है एंड सडन इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। द मोस्ट कॉमन यूजेज आर फॉर एनेस्थेसिया। मोस्ट कॉमन यूज़ किस में किया जाता है? एनेस्थेसिया में, ट्रीटिंग एपिलेप्सी, एपिलेप्सी को ट्रीट करने में, एंड नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स में, इंसोमनिया में एंड अदर कंडीशंस में। बारबिट्यूरेट्स अफेक्ट ब्रेन, ब्रेन को अफेक्ट करता है, इंक्रीजिंग ए ब्रेन केमिकल। एक केमिकल होता है ब्रेन का, उसको ये बढ़ा देता है। उसका नाम है गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड और GABA, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड विच स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन सेल। तो ये क्या करता है कि स्लो डाउन करता है, तो इसको बढ़ा देता है कौन? बारबिट्यूरेट। इस तरह से ये, इसलिए ये रिलैक्स फील कराता है और स्लीपी फील कराता है। बारबिट्यूरेट्स कैन ट्रीट सेवरल कंडीशन, अलग अलग कंडीशन इसे ट्रीट होती हैं। द मोस्ट कॉमन है प्रिवेंटिंग सीजर, सीजर को प्रिवेंट करने में, जो दौरे होते हैं उनको प्रिवेंट करने में। ट्रीटिंग इंसोमनिया, जो नींद की प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट करने में। प्री एनेस्थेशिया सेडेशन के लिए, एनेस्थेशिया से पहले जो सेडेशन दिया जाता है उसके लिए। दे हेल्प ए पर्सन फॉल एस्लीप क्विकली एंड प्लीजेंटली एंड एंजाइटी रिडक्शन। तो प्री एनेस्थेसिया में ये क्या करता है? एंजाइटी रिडक्शन करता है। ट्रीटिंग हाई सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर, जो CSF प्रेशर हाई होता है उसको ट्रीट करने में ये काम में आता है। इनसाइड द स्कल, जैसे कि इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, इसको ट्रीट करने में इसका काम लिया जाता है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन बारबिट्यूरेट्स हैं एमोबारबिटल, ब्यूटालबिटल, मेथोएक्सिटल। और जो मेथोएक्सिटल मेडिकेशन है ये यूज़ होती है एनेस्थीसिया में। इन शॉर्ट एंड शॉर्ट डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर, जो छोटे डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोसीजर होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रोसीजर लाइक इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ECT में भी ये हेल्पफुल होता है। कौन? मेथोहेक्सिटल। इसके अलावा आता है पेंटोबार्बिटल, दिस मेडिकेशन इज यूज फॉर प्री एनेस्थीसिया, पेंटोबार्बिटल। अब पढ़ेंगे साइड इफेक्ट क्या होते हैं बारबिट्यूरेट के। साइड इफेक्ट होते हैं कन्फ्यूजन, डायरिया, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, हेडेक, इरिटेबिलिटी, लो ब्लड प्रेशर, नोजिया एंड वेमिटिंग और बर्टिगो, चक्कर आना। देन आता है द रिस्क और कॉम्प्लिकेशन ऑफ टेकिंग बारबिट्यूरेट। तो इसको लेने से रिस्क या कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? तो टॉलरेंस एंड पॉसिबल डिपेंडेंस हो जाती है और एडिक्शन हो जाता है इसका। हार्ट एंड ब्रीदिंग डिसरप्शन हो सकता है इससे। बारबिट्यूरेट लो करता है हार्ट रेट को एंड ब्लड प्रेशर को। टेकिंग टू मच ऑफ बारबिट्यूरेट कुड कॉज टू स्टॉप ब्रीदिंग, ब्रीदिंग भी स्टॉप हो जाती है ज़्यादा लेने से, और जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है। इंटरेक्ट विद मैनी अदर मेडिकेशंस के साथ ये इंटरेक्ट करती है। मे डिसरप्ट फीटस डेवलपमेंट, फीटस डेवलपमेंट को डिसरप्ट कर देती है, उसको डेवलपमेंट नहीं होने देती है। एंड कैन अफेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट, और ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट को भी ये प्रभावित करती है यदि मदर इसको लेती है। तो आज का हमारा टॉपिक था बारबिट्यूरेट्स। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट